जोर से पीठ पे मार के चले भाई, बाप बेटे की जोड़ी फिर से किचन में एक बार और। अरे बहुत काम आ गया अभी, और इन तीनों की परफॉर्मेंस देखेगी दूसरा ब्लॉग भी 3 बजे। आज दूसरा दिन है, आज ये पूरा ब्लॉग देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या हम लोग किए। और मेरे पति देव पूरा खाना हम बनाए थे कंजक के दिन, और मैं आज दो दो ब्लॉग डाल रही हूँ अभी, जो पूरा ब्लॉग देखिएगा ही, और दूसरा जो 3 बजे डालेंगे वो भी पूरा ब्लॉग देखिएगा, पूरा परफॉर्मेंस का हम लोग का, लेडीज बच्चे सभी का ब्लॉग जो हुआ है सो सब पूरा देखिएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। आज नौमी है और कंजक पूजन है, तो अभी जा रही हूँ मैं जल्दी जल्दी सब तैयारी करने। और आज देखिए कैसे शांत लग रहा है एकदम, रोड सभी कंजक खिलन में। हाँ, और एक चीज दिखाती हूँ आप लोग को, ये चीज देखिए, ये सेव में कितना कलर डाला हुआ था। बाबू को मैं बॉयल करके देती हूँ, तो ये देखिए कितना कलर्ड है। आप लोग क्या भी होता है ऐसा? हाँ, बताइएगा। चाकू से जब मैं काट रहा था तब भी उस पे भी कलर लग रहा था, और अभी ये बॉयल किया है तो इसमें पूरा कलर आया हुआ है। देना भी डेंजर है ये सब चीज। और ये इधर के लिए चना भिंगोया हुआ है, इधर अभी सगुन बनाएगी, आज बनेगा चना। ये कड़ी बड़ी के लिए चना दाल भिंगोई हुई है। और मैं दिखाती हूँ, मैं पूजा का जहाँ पे करती हूँ, पूजा का जो खाना वाना बना रही हूँ, यहाँ पे पूजा के लिए कंजक को और भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी। सब कुछ आ गया, केला बिस्किट ये सब आ गया है बच्चों को देने के लिए। ये तो डब्बा कल लेके आई मैं, सब इसी में रख के और दूंगी। और चना यहाँ पे भिगो के रखे थे वो बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए हैं। कैसे देखिए कैसे पेन आ रहा है, पता नहीं क्या है ये। चलिए अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा में भी मैं भोग वोग लगा दी हूँ, सब कुछ करके बस पाठ करना है। पाठ करके मैं बैठ जाऊंगी पाठ करने, तब तक मैं सोची कि चलो आप लोग से मिल ले, और आप लोग सबके घर में धन्यधान और सब समृद्धि से बढ़ा पड़ा रहे, और आप लोग सब कोई खूब खुश रहो, खूब ये रहो, सबको हैप्पी नवरात्र। और देखिए फर्स्ट डे तो ऐसे कल है, लेकिन आज हमारे नौमी का पूजा होगा, उसके बाद विसर्जन हो जाएगा। बस सब कोई प्रणाम कर ले अपने सभी परिवार के तरफ से, YouTube परिवार के तरफ से स्वाहा। जय माता दी, सबको सबके घर में धन्य अच्छा से सबका रोग और सब कुछ देना। Write down all your memories, feel the things you wanna feel. आज बोरो बनेगा मेरे खेत का। हाँ, ये देखिए देखो कितना बड़ा पड़ा है। एक ये रहा एक ये रहा, एक ये रही, क्या दे दू बोरा लेना ना, बोरो भाई कोई ऑफेंड फील ना करे, क्योंकि मम्मी से बैठा नहीं जाता है जमीन पे, इसलिए स्टूल लेके बैठती हैं। भगवान ऐसा कर दे, क्या हो रहा है, क्या बोला है, तो भूख लग गई है, नींद आ रही है। आज ही सोना लगने लगता है एकदम ना, रौनक एकदम अति हो जाता है। रहा है लैपटॉप वाले लोग, बिस्किट रख दी हूँ, और इसके बाद इसमें हलवा और चना का घुगनी रख दूंगी। ड्राई है, घुगनी भी ड्राई है, यानी कि कम क्वांटिटी बने, ठीक ताकि बच्चे खा सके। अब बच्चे ना घर ले जाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत एक बने की एक मंडली जो है ना, बहुत सारे अपार्टमेंट है यहाँ पे, तो सबके यहाँ जाते हैं, तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी दे दो, पूजा कर दो। अफसोस लग रहा है कि अब अगली बार से क्या करेंगे ना, कि एक थैली ले लेंगे बच्चों को, ये कपड़े वाला थैली लेके, और उसी में फिर भी डब्बा काफी अच्छा है। डब्बा तो है, डब्बा के साथ में जैसे फ्रूट दे रहे हैं तो फ्रूट भी बच्चा पैसा ये सब हो जाए तो। हाँ, वो कपड़े वाली थैली आती है ना, सही रहता है, ले लेंगे। और उसमें अगली बार से माता रानी करेंगी, तो अगली बार से अच्छा से, इससे भी अच्छा से करेंगे। मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। देखती हूँ बाहर का क्या नजारा है, कि थोड़ी देर पहले मैं देखी थी ना, तो बच्चों की मंडली घूम रही थी, अभी खाली हो गया, लोग किसी न किसी के यहाँ गए होंगे खाने या लाने। वो अंदर अपार्टमेंट के अंदर दिख जाएंगी, अभी कुछ देर पहले ना बाहर रोड पे दिख रही थी, पूरे बच्चे दौड़े जा रहे थे। 9 देवी और 1 भैरव को खिलाएंगे। 1 देवी तो अपने घर की ही है, और बाकी बाकी देवी और 1 भैरव बाबा को बुलाना। हाँ, डैडी जाएंगे बुला कर लाएंगे। कभी भी बनाती हूँ ना, तो कम नहीं पड़ता है। कभी भी उधर आरती हो रहा है, अच्छे टाइम पे हो गया, हमारे मंदिर का स्थापना हुआ है वहाँ, और मैं कंजक के लिए सब कुछ तैयार कर ली हूँ। अभी इस बार तो इतना सा ही है बस, अब माता रानी अगर अच्छा से मुरादे पूरी करेंगी तो बहुत ही अच्छा से करेंगे। आप लोग तो साथ रहोगे ही, तो आप लोग साथ दोगे तो जरूर जल्दी से जल्दी हम लोग मुरादे पूरी होगी मेरी,
और वो मुरादे पूरी होने के बाद बहुत अच्छा से करेंगे। ये तो बहुत अच्छा से बीत गया, आप लोग के साथ साथ में मिलते मिलते बहुत अच्छा से पूरा 9 दिन कैसे गुजर गए पता नहीं चला। और डांडिया भी आज रात में हम लोग का डांडिया है, तो आज डांडिया करेंगे। भाई माता आ रही है, देख लो दरवाजा खोल के आ रही है माता। बे तू कितनी प्यारी लग रही है। पायल जो छनकाई भाई, अरे वाह चूड़ी भी गले में भी है। Write down all your memories, feel the things you wanna feel, yeah, in the empty bottle. ये असली देवी माँ सबसे छोटी, ये भी छोटी लग रही है ये ना लड़की हो कि लड़का हो भाई? लड़की हो। अच्छा क्या नाम है? लड़की हो कि देव हो? ये पूछना चाहिए हमें। बैठो बेटा बैठो, गुड़िया बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, 2 मिनट बैठो। हाँ क्या हो गया? दोस्त सब है, इतने सारे दोस्त आए हैं आपके। हम ही मम्मा है ना, बैठो ना, हम ही मम्मा है, उसकी मम्मा है। देखो वो बउवा रो रही है, देखो तो बैठो 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 देखो ये उछल क्यों रही है इतना? नीचे जाना है इनको, जाकर के सबसे हाई हेलो करना है। अच्छा ये नहीं कर रही है, और आपका आशीर्वाद दीजिएगा ना। क्या हो गया? क्या हो गया? बस बस हो गया बच्चा, हो गया। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? LKG में। आप भी? अच्छा वो नर्सरी में है। कमांडर नहीं बेटे, बच्चे इस साइड में, इस साइड में वो दिशा उल्टी हो रही है ना। सबको आशीर्वाद दे, मौका देते नहीं जोर से थोड़ी। अरे किस पे किस पे किस पे इतना गुस्सा? अरे मुंह में नहीं, इधर ले आना, इधर। अरे वो नहीं खाना, मुंह कस जाएगा। छोटी कंजक है, वो भी छोटी लग रही है। जय माता दी, जोर से बोलो सबको, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जोर से सर पटक के, जोर से भाभी को आशीर्वाद दो, जोर से, जोर से पीठ पे, पीठ पे मार के, पीठ पे मार के, पीठ पे मार के। चलिए भाई बाप बेटे की जोड़ी फिर से किचन में एक बार और रेडी बना रहे हैं मम्मी के लिए आज पकौड़े। क्या क्या चीज के हैं भाई? बैगन के पकौड़े हैं, आलू है, बस यही दो चीज का बनाऊंगा, और कुछ नहीं है। हरी मिर्च भी है। प्याज, प्याज काटू? प्याज नहीं खाना। आज भी प्याज नहीं खाते हैं? नहीं खाएंगे। प्याज तो आज खाते हैं ना? आप तो अब खा सकते हैं। माँ हर साल तो हम लोग खाते तो हैं प्याज के, वो डाल के बना के खाते तो हैं। बनेगा आप? बनेगा ना, प्याज की पकौड़ी मेरा तो फेवरेट प्याज की पकौड़ी ही है। प्याज की पकौड़ी बोले तो कांदा पकौड़ी, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बना रहे हैं रेडी। पानी वानी रख के, वहाँ देखिए पानी रखे हुए है। मैं प्याज काट देता हूँ, ठीक है? तो प्याज के पकौड़े बनेंगे। तो डैडी यहाँ पे पकौड़ी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शगुन अभी बेचारी ऑफिस का काम कर रही है, वैसे लगी पड़ी है, ऑफिस का काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। कितने देर का काम और बाकी है? अरे बहुत काम आ गया अभी। अच्छा ठीक है काम करो आप, हम लोग बनाते हैं। एक चीज आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि माँ अपने मतलब कोई भी फंक्शन ये सब हो और काम ना करे। जब छठ पूजा होगा तब भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा, मम्मी पक्का कुछ ना कुछ सिलाई करती रहेंगी। एक मिनट, फैन बंद करना पड़ता है ना। जब छठ पूजा होगा ना तब भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, मम्मी सिलाई करती रहेंगी। अच्छा देखते हैं, लास्ट ईयर भी कर दिए। अभी भी आपने यही कहा था? नहीं अभी नहीं, मतलब थोड़ा सा खाई नहीं, एनर्जी आया नहीं कि। और ये देखिए इसी धूप की बात कर रहे थे, इतना धूप होता है, गर्मी हो जाती है ना। रिकॉर्ड करने के लिए फैन ऑफ करना पड़ेगा, और ऑफ करेंगे तो गर्मी बहुत लगेगा। देखिए ये मम्मी का है चोली। हाँ चोली है, एक्चुअल में क्या था ना, पीछे ओपन था,
मैं ओपन वाला पहन नहीं सकती तो चुन्नी से काट के बॉर्डर और कुछ कुछ कपड़े थे, कपड़े लगा के ये ओपन था, इतना दूर ओपन था। भाई आज तो व्लॉग फिर लंबा होने वाला है। मान लो सुबह की पूजा ये सब एक साइड में डाल दिया, फिर तो शाम का गरबा डांस तो अलग में डलेगा। और हम लोग को एक सरप्राइज है आप लोग के लिए, हम लोग को सरप्राइज है तो आप लोग के लिए भी सरप्राइज। सही बात है, फैमिली आप लोग है तो आप लोग को भी पता चलना चाहिए ना। शगुन का तो बन गया, आपने दे दिया उनका तो कल रात ही। शगुन का, किट्टू का, रिद्धि का बना दिए हम, अपना सोचे कि तीनों बच्चों का बना दिए, तीनों बच्चों का बना दिए। हम बोले कि चलो हमारा नहीं भी होगा तो मैं दूसरा कोई पहन लूंगी ब्लाउज, लेकिन हो गया था। डैडी ने खिला पिला के एनर्जी क्या दिलवा दी, बैठ गए काम करने। बच्चे और हस्बैंड होना अच्छे अच्छे क्या, अच्छे तो सबके होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वो ना तो बहुत आदमी औरत कुछ भी कर सकती है। तो सोच रहा हूँ मम्मी को MBA MBA भी करवा दिया जाए। आप तो नहीं MBA कर सकते, MBBS कर चुके हैं, अभी भी बच्चा सही कर चुके तो अब अभी देखिए कि अभी हम लोग इस उम्र में 57 इयर्स के उम्र में 58 में आ गए। हाँ 58 में आ गए तो इस उम्र में भी मैं गरबा करने जा रही हूँ। तो आपसे भी बहुत है, 80-90 साल की भी है। आप अभी तो जवान हो। एक उनको भी एक है बॉम्बे में जो की बहुत अच्छा करती हैं, उन्हीं से मैं इंस्पायर हुई है। इंस्पायर हुई कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं। अब किए 5-6 साल हो गया था मैं। थोड़ा स्टेप मम्मी का भी आजकल ज्यादा अच्छा नहीं है, मगर कोई बात नहीं, हो जाएगा। और हाथ मेरा छोटा है यार। अच्छा, इतना दो भी तक आपका तो साबुन स्लो है क्या? साबुन स्लो है क्या? हाथ नहीं, ये हाथ मेरा बहुत छोटा है। चलो गर्मी नहीं लग रही, फैन चालू करता हूँ। करो करो काम करो। जितना आप लोग को ये दिख रहा है ना कि ये बहुत काम कर रही है, बहुत प्यारी बच्ची, प्यारी सी बच्ची बहुत काम कर रही है, पूड़ी बना रही है, सब्जी बना रही है, के पीछे मेरा भी हाथ है। कोई मेरे लिए भी, मुझे भी अप्रिशिएट कर दे। किसी की छुट्टी है उसके बाद ये अभी जाके हाथ बटा। नहीं ये बात तो है, आई अप्रिशिएट यू। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, आज तुम बोलो तुम्हें चाहिए क्या। इतनी पूड़ियां साथ में कल दो। चलो अजी वाह, तुम लोग अपना अपना गवाही लूट रहे हो साला। हम छाने इतने देर से खड़ा होकर के हमारा कहीं नाम नहीं बोला। नहीं डैडी, अच्छी बात है, अपने आप आके बोलेंगे। नहीं शगुन, शगुन ऐ शगुन, उन नामो निशान है तो पेट के अंदर, खा तो लिए। देखिए टमाटर भी काटा मैंने, इतनी जल्दी पकौड़े बनाए, फिर नमक डालना। देखो सारा कुछ करके तुम तैयार करके रखी थी, ये तुम्हारी गलती है कि तुम कम डाली थी। फंस गई, कोई मुझे अप्रिशिएशन लेने ही नहीं दे रहा है। प्याज मैंने काटा, टमाटर मैंने काटे। चावल के लिए पानी चढ़ाइए। देखिए चावल के लिए पानी भी मैं चढ़ा। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस ना हो, वरना शगुन के लिए सब सीरियस हो जाते हैं। कोई नहीं पहना रहे बाबा, हम खुद पहन ले रहे हैं। इसका बुटीक में से लेके आए थे। तो भाई लगता है कि देविया तो तीनों तैयार हो चुकी है और हम लोग को तैयार होना बस थोड़ा सा बाकी है, और हम लोग थोड़ा सा तैयार हो जाए और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद आप लोग को जो परफॉर्मेंस देखनी है वो अगले ब्लॉग में दिखेगी, और इन तीनों की परफॉर्मेंस दिखेगी तो अगला ब्लॉग जरूर देखिएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और दूसरा ब्लॉग भी 3 बजे चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाके। इसी के साथ में इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी दशहरा, बाय बाय।